बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, जब ज्यादा पानी आता है तो इस्लामाबाद में कांपे टांप जाती हैं, ओ कांपे टांप जाती हैं, ओ कांपे टांप जाती हैं, ओ कांपे टांप टांप टप 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 जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं बिलावल भुट्टो के जलसे के बारे में जो कि इस्लामाबाद में उन्होंने खिताब दिया। नाज़रीन, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, तो बात करते हैं ये कि इमरान खान ने बिलावल भुट्टो के बारे में कहा है, जिसको उर्दू तक बोली नहीं आती तो वो क्या पाकिस्तान का भला करेगा। उन्होंने कहा कि एक नालायक से नालायक स्टूडेंट होता है तो वो भी ज्यादा से ज्यादा 6 साल में या 7 साल में इंग्लिश सीख जाता है, मगर ये पाकिस्तानी होने के बावजूद, मुसलमान होने के बावजूद अपने 40 साल की इस उम्र में उर्दू नहीं सीख पाए तो बताएं ये मुल्क का क्या भला करेंगे। इस बात को बहुत मीडिया ने जेरे गौर लिया, जैसा कि उन्होंने इस्लामाबाद में एक फिक्रा बोला कि इस्लामाबाद की कांपे टांग रही हैं, यानी टांगे नहीं कांप रही, कांपे टांग रही हैं, यानी उनकी उर्दू माशाल्लाह इतनी अच्छी है। जैसा कि आपने पहले कई वीडियोस में देखा कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, यानी इन जो चबलियों की हद है वो हद भी खत्म कर दी है बिलावल भुट्टो ने। यानी उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में अंडे दर्जन में मिलते हैं या किलो में, टमाटर किलो में मिलते हैं या दर्जन में। यानी उन्होंने पिछले वीडियोस में ये भी कहा कि अंडे 100 रुपए किलो और टमाटर 140 रुपए दर्जन, यानी उनको पाकिस्तान के बारे में जीरो नॉलेज, एक चीज का पता नहीं। उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में इनकलाब लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे थोड़ी होता है।